प्रथम तहलका न्यूज। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध शुरू हुआ था वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। संसद में रोजाना हंगामे और विपक्ष के द्वारा नारेबाजी की तस्वीरें सामने आ रही है, तो वही मंत्री अनिल विज ने इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब किसी राजनेता को बोलना नहीं आता तो वो इधर उधर झांकना शुरू कर देता है, और ऐसा ही कुछ हाल विपक्ष का है। सत्ता पक्ष तो खुली चुनौती दे रहा है, लेकिन विपक्ष तो सिर्फ हंगामा ही कर रहा है। लोकसभा में प्रश्न उठाने का एक कायदा है, हा हा हु हु करके प्रश्न नहीं उठाए जा सकते हैं। ऐसा है, मेरा 40-45 साल का अनुभव है, जब किसी राजनेता को बोलना ना आता हो ना, तो वो इधर उधर बगले झांकने लगता है। वही हाल विपक्ष का है। सत्ता पक्ष तो खुली चुनौती दे रहा है, जबकि हमेशा होता उलट रहा है कि विपक्ष हमेशा मांग करता रहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, और सत्ता पक्ष माना नहीं करते। कई विधानसभाओं में, खासतौर से हमारी विधानसभाओं में पिछले राज में ऐसा रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप कोई भी प्रश्न उठाएं, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन लोकसभा में प्रश्न उठाने का बकायदा लिखित कायदा है। वह हा हा हू हू करने से प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। को प्रश्न है जिनकी चर्चा होनी चाहिए, हम मानते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, और सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की ही तैयारी नहीं है। विपक्ष ही तैयार नहीं है, इसलिए वो शोरगुल में ही अपना समय बिताना चाहता है। आप ये कह रहे हैं कोई वक्ता नहीं है विपक्ष के पास, राहुल गांधी को आप अच्छा वक्ता नहीं मानते? नहीं नहीं, जो वक्ता होता है वो फिर बोल के अपने जोहर दिखाता है, वो इधर उधर के कार्रवाइयां नहीं करता। मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि हम प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही तैयार नहीं है, वो तो शोरगुल में अपना समय खराब कर रहा है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।